So, yo, what's up guys, welcome back to another video of a Minecraft SMP, and this is our day 9. और अभी भी हमारे पास जीरो प्लेयर्स नहीं है हमारी SMP में, कोई आ ही नहीं रहा अभी तक, तो देखते हैं अभी और कौन आता है बाद में, डे 10 के बाद कोई आ सकता है या नहीं आ सकता, देखते हैं। एंड ये SMP मैं सोच रहा हूँ मैं 30 डेज के लिए चलाऊँ, क्योंकि उसके बाद तो फिर आप बोर हो जाओगे ना देख देख कर। या फिर ये अनलिमिटेड चलाऊँगा मैं, ठीक है। 30 डेज का तो नहीं चलाता, मैंने प्लान चेंज कर लिया फिर अपना अब। या फिर सोचता हूँ मैं कितने दिन तक चलती है ये SMP, मतलब अभी तक तो व्यूज़ अच्छे आ ही रहे हैं मेरी वीडियोस पर SMP वाले, तो व्यूज़ तो सही आ रहे हैं, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है व्यूज़ की। मेरे को बस दिक्कत है क्या कहते हैं उसकी, कि आप बोर ना आ जाए ऑडियंस मेरी बार बार देख, क्योंकि बाद में व्यूज़ कम होंगे ही होंगे, पक्का बता रहा हूँ मैं। एक टाइम तो ऐसा ही आता है ना, यहाँ पर व्यूज़ कम हो ही जाएंगे, तो फिर कोई नहीं, ठीक है। आज हमने लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा मैंने व्हाइट हाउस बनाया था बहुत ज़्यादा बड़ा, तब मैंने इसको थोड़ा सा कवरिंग भी देना स्टार्ट करी है, और टाइम डे कर देते हैं। तो यस, तो मैंने अभी ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्ज में इसको कवरिंग नहीं दिया था, मैंने ग्लास व्लास लगा दिया, देख लो यहाँ पर मैंने बोला है ना मैं कुछ करूँगा काम इसके अंदर, तो फिर मैं वही कर रहा हूँ अभी, और हम यहाँ से ही खींचते हैं अभी तक। तो मैंने बहुत मेहनत की थी कल ही, तो फिर हमारा डे 3 है, डे 2 है हमारा शायद व्हाइट हाउस बिल्ड का, एंड शायद हम इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे, देखते हैं अगर हो पाता है तो कर लूँगा, वरना तो नहीं हो पाएगा वैसे तो मेरे को लग रहा है देखने में तो। एक दिन नहीं हुआ अभी तक तो, आज मेरी दूसरी वीडियो मेरी आज के दिन की है, उसी दिन को बना, एक ही दिन में आज मैं सारे बिल्ड्स कंप्लीट करता हूँ मैं, मेरे को लगता तो नहीं है इस वीडियो में कंप्लीट कर पाऊँगा मैं इसको, लेकिन थोड़ा सा गेम छोड़ूंगा मैं अभी, तो फिर चलो इतना बना लेता हूँ मैं। यस 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 यस। ओके, तो गाइस अभी हमने पता सोचा क्या, मैंने इसके ऊपर ना एक और बेस भी बनेगा, जो मतलब एक सीक्रेट बेस होगा, ठीक है, उसके यहाँ देखते हैं फिर क्या होगा। अभी तो मेरे को इससे फ्लैट SMB को मतलब बिल्कुल, वो पेड़ वेड़ भी लगाएंगे गाइस अभी तो, इसके अंदर सब कुछ होगा, बोन मील्स लाऊंगा मैं अभी, निकालते हैं अभी अपने क्रिएटिव मोड से। देखो अभी तक जो लुक आ रही है ना मेरी इसकी घर की, मैंने आयरन डोर वायरन डोर भी लगा दी है सब कुछ, तो एक बार यहाँ पे एक बार लुक देख लो अभी तक कि यहाँ से देखने में ऐसी आ रही है। अभी ऊपर जो घंटियाँ लगेंगी और व्हाइट हाउस का जो लगेगा ना लुक जब आएगी, ये जो पूरा एरिया है स्विमिंग पूल में जब कन्वर्ट होगा तब देखना कितना सही लगेगा। प्रिज्मरीन से कर दूंगा ना मैं कवर, अब वो मरा नहीं करीब से भी। ओके एक दो तीन चार। अब गाइस मुझे ना थोड़ा सा ये काम जो है ना ये बहुत जल्दी करना होगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हम, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ मैं सारा ना, तेज़ी से खींचता हूँ मैं एंड तक। देखो गाइस बहुत लंबा घर है क्योंकि हमारा, एंड इस घर को गाइस बहुत टाइम लगेगा क्योंकि हमने इसको कमरे में भी बांटना है अभी, ठीक है। तो फिर करते हैं अभी मैंशन में, हमारा एक मैंशन है छोटा सा ही, अभी हम इसको कवर करेंगे बहुत अच्छे से। ओके आधे से कनेक्ट कर देता हूँ मैं, फिर वो इक्वल हो जाएगा, फिर मेरा बांट लूँगा ना मैं फिर काम, अगर कोई आता है अभी आज के दिन ही तो। मैं तो IP सबको भेज दिया है, You're so pretty, you're so phantom tax, I just wanna be your sigma। तो अंदर देखो अभी मैंने बोला है ना, देखो उतनी कम रोशनी नहीं है गाइस अंदर, देख लो एक बार, ये टिंटेड ग्लास भी लगाया हुआ है मैंने, फिर भी देखो वाइट रोशनी ज़्यादा देता है। एक ही स्केलेटन अभी तक आया अंदर तो, और हाँ एक हिंट मैं दे सकता हूँ आपको, फिर डे 50 के बाद कोई आ सकता है, और क्या पता डे 10 के बाद ही वही बंदा आ जाए जो डे 50 के बाद आना है जिसने, क्योंकि 50 हो जाएंगे ना जैसे ही, फिर मेरे को समझ आ जाए, फिर हम बहुत सारे बिल्ड भी हो जाएंगे तो घर भी बन जाएंगे बहुत सारे, तो फिर यही मैं चाहता हूँ।
आजकल तो गाइस मैं बहुत ही ज़्यादा माइनक्राफ्ट खेलता हूँ ना, इसलिए मुझे सब कुछ पता भी है इसकी गेम के बारे में। अब तो बस लैग बहुत करती है यार ये गेम, पता नहीं अब मेरे फ़ोन में कर रही है। अगर आपके फ़ोन में भी करते ना गाइस तो मेरे को आप प्रॉब्लम बताना आपकी क्या हो रही है, मैं वो बताऊँगा फिर आपको कैसे ठीक करनी है। क्योंकि मैंने जो कल किया था ना, एक बार ही आप शॉर्ट पे स्विच करो जल्दी से, इधर उधर देखो जल्दी जल्दी, एक दो बार ही, एक दो तीन चार, एक बार ही नीचे ड्रॉप कर लो अपने आप को एक बार। चलो अभी मेरे को कर रही है वैसे उतना, अब नहीं करेगी। अब देखो अब हम वापस से लगाना शुरू कर देंगे तो अब नहीं करेगी। जब हम बहुत सारे ब्लॉक्स एक साथ लगा देते हैं ना तब वो लैग करना शुरू कर देता है। देखो जैसे अभी भी कर रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी लगा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो ये ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए इस बार। इसको हम सिर्फ 1-2 घंटे की रखेंगे ये वाली वीडियो, 1-2 घंटे भी चाहे खिंच पाए तो ही, क्योंकि मेरे को ये वीडियो जो है ज़्यादा लंबी नहीं चाहिए। तो 1-2 घंटे तो गाइस बहुत ही कम है वो वीडियो के लिए। तो यस अभी हमने इतना कुछ कर लिया, देख लो आप। लोग तो गाइस 4-4 घंटों की भी लाइव स्ट्रीम करते हैं, अभी तक मेरी लाइव स्ट्रीम नहीं आई ना एक बारी भी गाइस, आपने देखी ही नहीं गाइस कोई मेरी। 4-5 चाहिए लाइव स्ट्रीम्स। और कौन कौन सी लगा दी मैंने, हाँ यहाँ पर हो गया, ये पीछे वाला हो गया एरिया। ओके गाइस पीछे वाला एरिया तो हो गया है, तो फिर अब यही तो करना है। तो थोड़ा सा ये है, जल्दी जल्दी करता हूँ मैं, खींचते हैं सारे ब्लॉक्स अंदर हम, फिर लैंटर्न लगा देंगे सारे। टिंटेड ग्लास तो है ही, विंडोज़ भी बना देंगे पेन से, टिंटेड पेन ले लूँगा ना मैं फिर, ताकि अंदर ज़्यादा लाइट ना जाए, क्योंकि व्हाइट हाउस है ना हमारा। देखो अब मॉब स्पॉन होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मैंने वो कर दिया ना अब गेम ग्लिच। अबे यार ये क्यों तोड़ दिया मैंने। चलो यस अभी इतना काम हो चुका है, एक बार आप फिर से ऊपर से एक बार लुक देख लो, ऐसा व्हाइट हाउस बनेगा हमारा। तो कुछ मैं सोच रहा हूँ जो टिंटेड ग्लास लगाया है इसको हटा दूँ मैं, क्योंकि अंदर रोशनी नहीं आ रही। हाँ हटा दूँगा यार मैं, या फिर लगे रहने देते ना, थोड़ा सा तो अपनी फील आनी चाहिए ना राजाओं वाली। कितने टेंटेड ग्लास लगाए हुए, इतने मुश्किल होते हैं बनाने भी। बस इसको ना जल्दी जल्दी खींच देता हूँ मैं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैसे कितनी जल्दी खींचा और फिर भी देखो कितने ब्लॉक्स लगे हैं, वो 2 ब्लॉक्स ही आ गया ये सिर्फ, उसकी हाइट मतलब लेंथ। ओके तो गाइस अब जो मेरा नेक्स्ट काम हम जो बनाएंगे ना, मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में हम बनाना स्टार्ट कर दे। एक कमेंट सेक्शन में बताना आप क्या चाहते हो मैं बनाऊँ, इतना टाइम से मैं पूछ रहा हूँ कुछ बना ही नहीं रख, बता ही नहीं रहा कोई। अभी हमने एक जॉम्बी स्टैचू बनाया है ये अजीब सा, इसके बाल भी है जिस जॉम्बी के वो वाला स्टैचू, एक हमने ये बनाया है, एक हम अभी व्हाइट हाउस बना रहे हैं। मतलब ये व्हाइट हाउस तो नहीं है, व्हाइट हाउस बस इसका नाम है इस घर का, ठीक है, क्योंकि ये अकेले सिर्फ मेरे का ही घर है। इसके अंदर अब हम लगा देंगे जाकर अंदर लैंटर्न्स, तो जलते हैं अभी अंदर। यू आर सो प्रेटी, यू आर सो पॉपुलर, आई जस्ट वांना बी योर स्वीट हार्ट। अब देखो अंदर वैसे कितनी कम रोशनी है, अब हम लेंगे यहाँ पर लैंटर्न्स सारे, ले लेते हैं पिंक कारपेट के ऊपर रखते हैं। यस तो फिर एक, अबे एक दो, अभी गाइस बहुत सारी लगेंगी लैंटर्न फिकर मत करो, 3 बीच में तो लगनी है, 4 5, ये गाइस डिजाइन है हमारे घर का, 7 8, 8 लगे हैं यार लैंटर्न सिर्फ। फिर भी बस बहुत कम रोशनी है, टिंटेड ग्लास हटाने ही पड़ेगा। अभी भाई ऐसे रोशनी देखो कितनी आएगी अंदर। मैंने वैसे क्यों लगाया टिंटेड ग्लास, फिर दिमाग ज्यादा था ना वैसे मेरे अंदर उस टाइम पर, अभी बाहर से जाकर तोड़ते हैं। देखो अब रोशनी देखना कितनी अंदर ज्यादा जाएगी, या फिर मैं ग्लास लगाऊ ही नहीं, ऐसा कर दूं फैंटम्स लेकिन अंदर जाएंगे ना बहुत सारे। फिर
ओके, ब्रिक्स भी टूट रही है, थोड़ा थोड़ा घर टूट रहा है हमारा। कल अगर आपने लास्ट वीडियो में देखा है तो फिर आपने देखा होगा मेरे साथ क्या हुआ था। TNT से मैंने पूरा का पूरा खोड़ा फोड़ा था गाइस, बहुत सारी चीज़ें। तो आज सिंटेक्स क्लास तो मेरे किसी काम के नहीं आया ना, फिर राजा वाली फील चाहिए थी बस मुझे, इसलिए मैं लगाए थे ये। मैंने एक्चुअली पहले मैंने सोचा था इस जगह पर ना मैं एक XP फार्म बनाऊंगा, लेकिन मैंने फिर सोचा नहीं यार वो तो किसी काम का ही नहीं है। XP क्या करूँगा मैं लेकर ही। वैसे हम एक आयरन का भी फार्म बनाएंगे, एक बहुत स्वीट सा, जिसके अंदर होंगे बहुत सारे आयरन गोलम्स, विलेजर्स, और जो आप समझ रहे हो वही आयरन तो खास करोगा बहुत। नहीं ये क्यों लगा दिया, ब्रिक्स से ही तोड़ता हूँ। ओके यस, तो गाइस हमने तीन जगहों के तोड़ दिए हैं ये कांच, तो अब देखो अब सही लग रहा है थोड़ा सा देखने में। तो अब हम लगाएंगे यहाँ पर नॉर्मल ग्लास, ठीक है। जितने घंटे मेरे को कल लगे थे ना इसको करने में, मतलब आज लगे थे जितने मेरे घंटे लगाए ना, मतलब इसे आज करने में, उतने मेरे को वापस से करने पड़ रहे हैं ये काम। शिट, ये क्या है, ये किसने किया, ये किसने किया था गाइस, ये मैं अभी भी रख रहा था वो मजा था इसके चक्कर में। ये क्या है, एक सेकंड गाइस, ये क्या है, किसने किया है ये, हर एक में होगा गाइस। शिट नहीं, हर एक में तो नहीं है, कुछ कुछ में ही है। अच्छा जब मैं कल वो कर रहा हूँ ना काम, मैं जब स्विच करते थे ब्लॉक्स गाइस तब ये सब हुआ होगा। मैं भी अब वीडियो क्लिप भी देख लूंगा, ये किसी और ने किया गाइस, कोई तो आया था SMP में। ओके गाइस अब हमने आधा तोड़ दिया, मतलब घर तो आधा, मतलब घर नहीं तोड़ा हमने, मतलब वो जो काम करना था सही जो हमने किया है वही किया है हमने। कांच तोड़े हैं गाइस हमने, गाइस अभी ये लगाता होगा जल्दी से, उसे हम लगाएंगे अब ज़्यादा ढंग के कुछ। गाइस अंदर बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे हैं, आयरन ग्लम डाल दो तो तीन चार अंदर। ओ स्पॉन आयरन गोलम, बाद में इनको भी मार दूंगा ना मैं। चलो आयरन गोलम से गैस फौज आ गई है, इनको फॉल डैमेज तो पड़ता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यस अब गैस वैसे अंदर रोशनी आ चुकी है और व्हाइट हाउस है, तो हमें यही ब्रिक्स लिए लगाना चाहिए था क्योंकि वो रेसिज्म हो जाता ना, वरना तो ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट। आई एम नॉट डूइंग रेसिज्म ऑन यूट्यूब यार, प्लीज डोंट माइंड मी यूट्यूब, प्लीज 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 यूट्यूब, प्लीज प्लेज करता हूँ मैं तुमसे, मेरे को बैन ना करियो वरना मैं तुम्हारी ऐसी ही वैसी मजाक कर रहा हूँ। मैं कुछ नहीं करता मैं ऐसा यूट्यूब के साथ, मैं ये पार्ट कट नहीं करूँगा क्योंकि यूट्यूब को यही सुनना चाहिए सबसे। मजाक कर रहा हूँ, प्लीज़ डोंट बैन मी यूट्यूब, मैं आपसे विनती करता हूँ प्लीज़। तो वैसे अभी तक हमने जितना भी काम करा है ना सब कुछ इम्पोर्टेंट ही करा है हमने, तो देख लो एक बार ये अब आपको क्या करवाना है। अपना नाम लिखवाऊँ यार, कोई तो लिखवाओ, किसी सब्सक्राइबर का ही नाम लिख देता हूँ मैं, खुद ही नाम तो बताऊँ मैं, आप अपना मैं लिख दूंगा बिल्कुल। मैं उसको शाउट आउट भी दूंगा साथ में पक्का। रुदु रुदु रुदु।
गाइस, तो हमने इतना कवर कर लिया एरिया। आयरन गोलम्स की गाइस बहुत ज़रूरत है अंदर मेरे घर के, अभी सबको मारना होगा आयरन गोलम्स को भी। एक ही आयरन गोलम रहेगा गाइस, मेरा पेट होगा, आयरन गोलम पेट करता हूँ गाइस मैं। देख लो कितना गंदा इंसान हूँ मैं। शी यार शी गथर। अब देखो अगर मैं ऐसे करके ब्लॉक लगाऊंगा ना, हैं कल तक तो नहीं लग रहे थे ऐसे करके ब्लॉक्स। ये क्या चीज़ है भाई, ये इनका अलग ही सिस्टम है। सिस्टम पे सिस्टम, सिस्टम पे सिस्टम, सिस्टम पे सिस्टम। नीचे भी गड्ढे हुए पड़े हैं बहुत सारे, क्योंकि मैं जब स्टेयर्स लगाई थी ना आज, मैं थोड़ी देर मैंने खेली थी वो, बाद में वीडियो नहीं बना था जब मैं कुछ कुछ मैं तो गाइस अभी भी कर रहा था मैं बहुत देर से। तो यस इधर इतना कुछ कर लिया हमने भी, इधर भी कांच लग के, हाँ लग गया गाइस हर एक जगह। अब अंदर घुसते हैं घर के एक बारी। ग्रास ब्लॉक तो बाद में लगाऊंगा मैं। यस तो चलो अब जो मुझे क्या करना है, अंदर ना ओवर लाइटिंग करनी है ताकि अब बिल्कुल भी ना स्पॉन होए ज़ॉम्बीज मकोड़े। सो यस गाइस अभी मैंने इतना कुछ कर लिया देख लो। ओह नॉक बैक पावर देख रहे हो गाइस। अब मेरे को होगा, मेरे को इसको मारना है। पर मेरे को लग रहा है थोड़ा सा ना मेरे को एक बीकन लगा देना चाहिए अंदर। तो फिर चलो शुरू करते हैं, आयरन लेते हैं और एक बीकन। पांच पांच का एरिया रखेंगे गाइस हम, ताकि इजी हो जाए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 लग रहे हैं गाइस, ये तो गलत है। ओके गाइस तो हमने अभी इतना कुछ कर लिया देख लो। यस यस गाइस यस, तो हमने बीकन भी लगा दिया अभी अंदर, और आयरन गोलम सभी बहुत सारे हैं गाइस अंदर, तो मेरे को इन्हें मारना होगा। सर पे मारूंगा ना तो ज़्यादा डैमेज जाती है इनकी। इतने सारे नाइफ कौन करना चाहिए था गाइस, दो ही करता मैं। ओके सारे गाइस जल्दी मरेंगे बहुत। तो गाइस मैं सबको जला दिया अभी, तो भी जला मैं। ऐसा लाया आयरन गोलम ने बहुत मिस करती, इसको भी मारना पड़ता जल्दी। ये तो गाइस काला हो गया ये वाला तो। व्हाट आर आयरन गोलम स्केयर्ड ऑफ गाइस, पता नहीं। आयरन गोलम डू नॉट फियर एनीवन इंस्टेड ऑफ मी। अच्छा मैंने उनका आयरन खींच लिया ना मैंने सारा, इसलिए वो ऐसी आवाज़ें निकल रहे हैं। दो ही रास्ते हैं शायद,
और कोई है तेरा मित्र? चलो एक तो आयरन गोलम हम रख ही लेते हैं। अब जो मेन काम है ना गाइस, अब मेरे को रूम्स डिवाइड करने हैं। तो पहला रूम हम क्वार्ट्स लेते हैं पहले तो। ओके क्वार्ट्स ब्लॉक ऑफ आयरन है गाइस ये तो। ओके क्वार्ट्स ब्रिक्स क्वा ब्लॉक ऑफ क्वार्ट्स। तो यस ये वाला खींचते हैं हम। वीगा से ऊपर जो जगह बच रही है ना उसको हम ग्लास से ही कवर करेंगे। तभी मैंने क्या बचाई है उस जगह को। एक तो गाइस एंट्रेंस पे आयरन गोलम होगा मेरा, तो फिर ये कवर करते जल्दी से हम। एक मुझे रूम में आयरन गोलम होगा ताकि अगर रूम के अंदर कोई मॉब स्पॉन हुए तो वो उसको भी मार दे। तो ये सभी हमने इतना करा है प्रोग्रेस हमें इतना। कौन सा मॉब स्पॉन हुआ बेटे अंदर आओ ना। सेकेंडरी पावर नहीं दी गाइस मैंने अभी। एक सेकेंड डायमंड का भी तुम ला सकते हैं। कुछ और नहीं रख सकते क्या? अब ओके तो अभी क्या सीन क्या है गाइस हमारा? अब मैं सोच रहा हूँ मेरे को और क्या चाहिए इस दुनिया के अंदर। मेरे को एक एक काम करता हूँ, इस वाले को खींच समझ में आता है। ये गाइस मेरा एक और रूम बन रहा है। ये गाइस मेरा चिल पिल रूम है। इसके हम नॉर्मल डोर्स लगाएंगे, वो वाले दूसरे डोर्स नहीं लगाएंगे हम। ये क्योंकि हमारा थोड़ा सा बड़ा रूम है घर के अंदर भी रहा। इस रूम से माइनक्राफ्ट के हमारे देखो। अब तो आज की वीडियो में गाइस हमने इतना कुछ कर ही लिया, मतलब अभी बहुत कम छोटी वीडियो बनी है। आपके सामने ही आ रहा है जो भी है मैं करता हूँ, जो किसी की वीडियो नहीं छिपता मैं। ओके तो गाइस अब मुझे क्या करना है? ये हमने आधा कर लिया काम। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम 3 रूम और बनाएंगे सिर्फ, ताकि वो बिल्कुल सही हो जाए हमारा माइनक्राफ्ट की दुनिया का। SMP मतलब सेम ही बात है, दुनिया SMP एक ही बात होती है। ओके गाइस तो हमने अभी इतना कर लिया है देख लो। अब यहाँ पर ग्लास लगाएंगे वापस से, फिर अंदर हम लैंटर्स लगा देंगे, फिर हमारा काम हो जाए। हाँ कैसे बोलता हूँ यार मैं। ओके पहला रूम हमें दिख गया है। ये वाले रूम को हम अभी सेव कर देते हैं। यहाँ पर तो अंदर नॉर्मल डोर्स लगेंगे, 2 लैंटर्स लगेंगी। अभी गाइस हम रूम्स के फर्नीचर नहीं भरेंगे भाई किसी भी अपने जगह पे, जैसे कि जॉम्बी हाउस था उसमें हमने फर्नीचर नहीं भरा अभी कुछ भी अपने लिए रहने के लिए, ठीक है? तो अभी वो सब नहीं करेंगे काम, अभी वो सब बाद में होगा हमारा। शेड कड़ा कर देता हूँ मैं ग्लास का। ग्लास हम रख देते हैं ब्लू। एक काम करता हूँ पर्पल स्टेन ग्लास रखता हूँ। यस ये वाली सही है, लाइट ज़्यादा भी देती है पर्पल वाली, देख लो आप। जब से देख रहा हूँ ना यहाँ पर ये बैठे हुए हैं यहाँ पर बहुत देर से। ओके तो गाइस अब मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा ही काम रहता है तो फिर वो भी हम कंप्लीट कर ही देते हैं। क्यों नहीं करते गाइस, कर देते हैं ना, थोड़ा सा ही तो है। यही है काम हमारा, फर्नीचर ही लगाने वाला काम है गाइस बस। और 2 लीवर्स ले लेता हूँ मैं। एक लीवर हम लगाऊंगा मैं, हम लगाएंगे एक लीवर यहाँ पर, एक लीवर बाहर।
अच्छा बटन लगा देता हूँ ना, बटन। मेरे पेट में उड़ उड़ो लेगा, भूख लग गई है। ओके तो हम लेते हैं पिंक वाला फ्लेवर। ओके ऐसा ट्रैप भी है कि कोई ये ज़ोंबी नहीं जाएगा मार के ही आएगा बाहर। तो गाइस आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ कर लिया, वैसे तो आधा काम तो कर ही लिया। ब्लैक स्टैंडर्ड ग्लास को भी तोड़ के सब कुछ हमने डोर वोर सारा कंप्लीट कर लिया मतलब हमने। तो अब जो लास्ट काम जो बचा है ना हमारा वो है बस ऊपर ये जो हाफ सर्वाइवल बेस लूँगा ना मैं, इसके हम अपने आर्मर्स वार्मर्स लगे, जैसे वो कोर्ट हाउस टाइप ही होगा एक छोटा सा, बस उसके लिए कोई विलेजर नहीं रहेगा। तो फिर चलो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, अगर एक बार मैं आपको सो के जो आता हूँ दिन कर देता हूँ मैं। यस फिर यस गाइस, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, ऊपर से एक बार व्यू देखते हैं हम अपने, उसका ड्रैगन भी था ना यहाँ से हमारे पहले, यहाँ पर एक ज़ॉम्बी जगह वो बटर था। तो कोई नहीं गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम नीचे ड्रैगन बना लेंगे, सोच रहा हूँ मैं ड्रैगन बना ही देते हैं फिर। अब हम बहुत कुछ कर ही लिया हमने, तो अब ड्रैगन ही बाकी है हमारा तो इस वर्ल्ड में भी। फिर हम देखेंगे बाद में दूसरे लोगों के लिए क्या क्या बनाना है हमें, अभी तो हमने एक बैंक भी बनाना है यहाँ पर जिसके अंदर डायमंड्स विड्रॉ करेंगे लोग, और वो क्रिएटिव का ही होगा अगर आपको। और हम उसके अंदर फिर क्या करेंगे, फिर हम बाद में सर्वाइवल एसएमपी शुरू कर देंगे ठीक है, ये वाली, इसको मैं इनफाइनाइट पे स्विच कर दूंगा ना जब, फिर सारा इजी हो जाएगा हमारा काम। तो फिर ये इसका ऐसा आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।